केतकी संगमेश्वर स्वामी जी की, केतकी संगमेश्वर स्वामी जी की जय, सिद्धि विनायक जी की जय। ये हजरत मुल्तानी बाबा दरगाह की जमीन है, इसे मेरा नमन। देखिए चुनाव का समय है, कोई ट्रांसलेट कर रहा है? समझ में आता है? समझ में आता है? चुनाव का समय है और चुनाव के समय हमें सोचना पड़ता है कि वहां के 5 सालों के लिए हम क्या चाहते हैं। आपने 10 सालों से बीआरएस की सरकार देखी और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको 10 सालों की बीआरएस की सरकार ने क्या दिया? रोजगार दिया? जॉब दिया? महिलाएं यहां पे खड़ी हुई हैं, मेरी बहनें इतनी सारी, आप बताओ आपके लिए क्या किया? आपको मालूम है कि महिलाओं के साथ अत्याचार सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में हो रहा है। ये जरा पकड़ लो, पकड़ लो ये। तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं मिला, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। नौजवान मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए, वो पेपर भी लीक हो जाते हैं। जहां जहां आप देखते हैं भ्रष्टाचार भरा हुआ है आपके प्रदेश में, पूरा फैला हुआ है हर स्तर पर। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर छोटी छोटी चीजों तक कमीशन लिया जाता है। आपको छोटे से छोटा काम कराना पड़ता है तो कमीशन की बात होती है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए आपके लूटे जाते हैं। तो आपको भ्रष्टाचार मिला है, आपको कमर तोड़ महंगाई मिली है। इतनी महंगाई है कि आपके जीवन में संघर्ष और संकट बढ़ते चले गए हैं। मेरी बहनें यहाँ हैं, मेरी बहनें, सारा घर आप संभालती हो, परिवार को आप संभालती हो, आप बच्चों की परवरिश को देखती हो, नौकरी होती है तो नौकरी भी करती हो, जो खेती में काम करने वाले हैं वो महिलाएं खेती में भी काम करती हैं। घर आके फिर भी आपको सब कुछ संभालना पड़ता है, और जब तक घर में परिवार के एक एक सदस्य सो नहीं जाते खा पी के, तब तक आप सो नहीं सकती, आप आराम नहीं कर सकती। सच बात है कि नहीं? तो महंगाई का सामना कौन करता है? बोझ सबसे ज्यादा जो महंगाई का है किस पे होता है? महिलाओं पे होता है, बहनों पे होता है। गैस के सिलेंडर के दाम जब बढ़ जाते हैं तो किस पे, किसको दिक्कत आती है? आपको दिक्कत आती है। आप घर में सबको खिला देंगी लेकिन खुद भूखी रहेंगी अगर कोई ऐसी समस्या है। सच बात है कि नहीं? सच है ना? तो आप समाज का पूरा बोझ उठाती हो। सारी महिलाओं की यही कहानी है, चाहे बड़े घर की हो चाहे गरीब घर की हो, यही होता है। समाज का बोझ महिलाएं उठाती हैं और समाज महिलाओं को मदद नहीं करता। तो इसलिए एक उम्मीद होती है सरकारों से कि कम से कम सरकार मदद कर लेगी, महंगाई से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, गैस सिलेंडर के दाम थोड़े कम हो जाएंगे, कोई ऐसी स्कीम आएगी जिससे महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए और आप भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए, आप भी कुछ कमा पाए, आपको भी रोजगार मिले। लेकिन इस सरकार ने ये सब आपको कुछ नहीं दिया। यहाँ मेरे किसान भाई होंगे, किसान आज तेलंगाना में परेशान है, त्रस्त है। किसान को कहा गया था कि कर्ज माफ किए जाएंगे, अभी तक कर्ज माफ नहीं हुए। धरनी पोर्टल निकाला, उससे आपकी जमीनें जब्त हुई, आपको जमीनें नहीं मिली। तो जहां जहां आप देखें, जो वादे आपसे किए गए थे वो एक के बाद एक वो वादे तोड़े गए। तेलंगाना के लिए आप सबने आंदोलन किया, तेलंगाना अगर बना तो यहाँ के नौजवानों के बलिदानों से बना, यहाँ के किसानों, यहाँ की बहनों के बलिदान से बना। तो आज अगर तेलंगाना देश और दुनिया में जाना जाता है तो इसलिए जाना जाता है कि यहाँ की जनता ने अपना खून पसीना बहाकर इस प्रदेश को बनाया है। तो ये जमीन आपकी है, इस जमीन में आपका खून आपका पसीना मिला हुआ है। इस जमीन की हिफाजत, इस धरती की हिफाजत कौन करेगा?
आपको इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। 10 सालों से जो सरकार आप देख रहे हो, जितनी भी आपकी उम्मीदें थीं, जितने भी आपके सपने थे, एक एक करके चूर चूर किए गए हैं इस सरकार के द्वारा। इस सरकार ने आपको नकारा। क्या हुआ, केसीआर जी ने अपने परिवार के एक एक सदस्य को मंत्री बना दिया। बनाया कि नहीं? तो केसीआर जी के परिवार के सदस्यों को तो जॉब मिल गया, उनको महल मिल गए, बड़े बड़े घर बनाए। ये हद हो गई है कि पूरे देश में ये एक पहला प्रदेश होगा जिसकी सरकार एक फार्म हाउस से चल रही है। जानते हैं आप, आपकी सरकार भी जहां से चलनी चाहिए वहां से नहीं चल रही है। तो क्या हो गया है, बीआरएस के नेता आलस में पड़ गए हैं, आलसी हो गए हैं और भ्रष्ट हो गए हैं। तो अब आपको तय करना पड़ेगा, आपको एक भ्रष्ट और आलसी सरकार चाहिए या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात आपके लिए काम करके